इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। कि वाणी की स्वतंत्रता गाली की सनक नहीं बन सकती। हम न्यायपालिका की इज्जत करते हैं, उसका कदर करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये फैसला कानूनन और तथ्यों पे दोनों पे ये गलत फैसला है। और जब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, वो तो खुला होता ही है, वो तो कहने वाली कोई बात नहीं होती। जिस न्यायपालिका के पास, जिस कचहरी के पास फैसला कोई जाता है मसला, वहाँ वो उसका फैसला इस चीज़ पे करते हैं। आगे ये नहीं कि आगे क्या उसके पास जो अक्यूज हैं उनके पास क्या रास्ते खुले हैं। हम मानते हैं कि ये जो तथ्य रिकॉर्ड पे आए गए आ चुके हैं उनके खिलाफ है ये फैसला। उन तथ्यों के हिसाब से जैसे पहले जज साहब ने कहा था कि राहुल गांधी को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें अपनी ये बात दोहराई। ये तथ्य दोनों सामने, तारीखें रख दी गई थी कि वो जो चेतावनी का जिक्र सुप्रीम कोर्ट का था वो पहले नहीं हुआ था, वो इन्होंने ये कह चुके थे, ये 2019 के इलेक्शंस के दौरान कह चुके थे, उसके बाद का वो बात है। और यही सिंपल मैं समझता हूँ एक बात के पे, ये जो पहले फैसले हैं वो रद्द हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम इज्जत करते हैं फैसलों की, अब आगे फिर देखा जाएगा। तो हम इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। राहुल गांधी कैन नॉट बी मेलिशियस टूवर्ड्स एनी वर्ड। वाणी की स्वतंत्रता गाली की सनक नहीं बन सकती। अब कुछ लोगों को लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो जो है वो फ्रीडम ऑफ अब्यूज है, कि आप जिसको चाहो गाली दो, जिसको चाहो आप शब्द कहो, जिसको चाहो जो बातें कहो। इसलिए कानून अपना काम कर रहा है, कानून का जो भी निर्णय है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। इस निर्णय से ये लग रहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब क्या होगा, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको सबको पालना करना होगा।